नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान की हमेशा कोशिश रहती है कि ज़रूरतमंद और पिछड़े और सबसे निचले पायदान पर जी रहे लोगों के लिए काम किया जाए और उनके मुद्दों को सामने लाया जाए। आज हम हैं राजस्थान के उदयपुर ज़िले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के अम्बावा ग्राम पंचायत क्षेत्र में। अम्बावा ग्राम पंचायत क्षेत्र का ये एक गांव है पलाया पीपला, और वहाँ यहाँ देखेंगे आपकी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के बीच में कुछ कुछ घर है। जैसे ये घोर छापरा फला है, फला बोले तो एक मोहल्ला हो गया जिसका, और यहाँ पर जो घर है वो लगभग 20-25 घर हैं और हर घर के बीच में लगभग 200 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 500 फीट की दूरी है। मतलब कोई भी घर पास पास में नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि लोग जहाँ पर काबिज थे खेती की ज़मीन पर, वहीं पर उन्होंने अपना घर बना लिया, तो इसलिए कोई भी घर पास पास नहीं है, सब घर दूर दूर है। तो हम जहाँ पे खड़े हैं इसके चारों तरफ पहाड़ियों में घर है और उन घरों के महिलाएं जो है वो पानी के लिए कई प्रकार के जतन करती है। यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं, ये 20 परिवारों की महिलाएं यहाँ आई हुई है और नदी के पेटे में एक गड्ढा खोद के वहाँ से जो पानी निकलता है नदी का, रिस रिस कर आने वाला पानी, उसको ये छान के बर्तन में भर के अपने घरों पर ले जाती है। अब मानिए कि किसी दिन रात में पानी ख़त्म हो गया, तब भी इनको यहीं पर पानी लेने के लिए आना पड़ता है। यहाँ ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है और सबके नेता भी है। और इन महिलाओं ने, इन गांव वालों ने कई बार मांग करी है कि एक हैंडपंप हमारे यहाँ पे खुदवा दिया जाए, पर यहाँ पर एक हैंडपंप नहीं खोदा गया। अब हम हैंडपंप की बात पर आते हैं। जब कभी इन लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है, अब यहाँ पर देखिए बारिश के दिन है, अब नदी आएगी, जब बहुत पानी यहाँ पर बहेगा तो पूरा इसमें पानी ही पानी हो जाएगा, तब यहाँ ये पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा। तब ये महिलाएं अपने घरों से निकलेगी और सुदूर लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर जहाँ पर एक हैंडपंप है वहाँ से पानी लेके आएगी। तो क्या इन 25 परिवारों के लिए यहाँ पे हैंडपंप की व्यवस्था नहीं की जा सकती है? जब हम देख रहे हैं कि महज 1 फीट या 1.5 फीट की गहराई पर यहाँ पर पानी है, तो फिर क्यों नहीं रोड के पास में एक हैंडपंप खोद दिया जाता है? प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए, इनकी ज़िंदगी को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जोमीबाई जैसी महिलाएं जो 55 साल की हो चुकी है और वो जब 10 बरस की थी तब से यहाँ से पानी ले जा रही है, मतलब 45 सालों से वो ये गंदा पानी पी रही है, तो ये सबके लिए एक वो है कि कितने दिनों में यहाँ पर हैंडपम्प लगता है, ये देखने वाली बात होगी। महिलाएं यहाँ पर हैंडपम्प लगवाने की मांग कर रही है। और ये जो है एक छोटी नदी है, नाला है, जहाँ से बारिश का पानी बहता है। यहाँ पर हैंडपंप नहीं है और यहाँ के लोग जो है बरसों से, आज़ादी के बाद से यहाँ के लोग हैंडपंप की मांग कर रहे हैं, बरसों से वोट देते आए हैं, लेकिन राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने और सरकार ने इनकी कभी नहीं सुनी और एक अदद हैंडपंप की दरकार जो है वो यहाँ पर लोगों को है। अब इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है ये हम बताने की कोशिश करेंगे। नदी के पास में ही इन्होंने देखिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदा है जहाँ से नदी का पानी रेत में से प्योर होके, रेत में से साफ होके छन कर जो है इस जगह पर आता है। और यहाँ पर देखिए महिलाएं इस तरीके से पानी भरती है। ये इनकी दुख, ये विडंबना है कि रात में भी कई बार यहाँ पर पानी लेने के लिए इनको आना पड़ता है। अगर कभी रात में मेहमान आ जाते हैं और पानी ख़त्म हो जाता है तो दूर दूर घरों से, पहाड़ों से निकल के इनको यहाँ तक आना पड़ता है पानी के लिए, और इस तरीके से महिलाओं को पानी के लिए जतन करना पड़ता है। अब आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो रोड से ये दिख रही थी महिलाएं यहाँ पे पानी भर रही है इस तरीके से, तो यहाँ सबसे पहले पानी को साफ करना पड़ता है, पानी मतलब यहाँ जो गंदगी है उसको हटाना पड़ता है और उसके बाद जो है यहाँ पर पानी को छान के ये महिलाएं ले जाती है। ये जब पानी लेने आती है तो इनके बच्चे भी इनको साथ लाना पड़ता है, बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे पीछे पीछे चलते हुए यहाँ तक आ जाते हैं, जो
एक तरीके से खतरे वाली हालत होती है बच्चों के लिए भी। आपका नाम? जोमी भाई। अब जोमी भाई, आपकी उम्र कितनी है ये बताओ? की उम्र 55 साल उम्र हो गई। और 55 साल से पानी यहीं से ले जा रहे? पीहर यहीं है, इसलिए बचपन से यहीं से पानी ले जा रहे। सब लोग यहीं आते हैं? ये तरह लोग हैं जो सब इठे से ले जाए। हेड पे मोगी अपन नहीं दे देते वा अपने और पियो हन फिर वा ने दे आवे वाली वेड वैसे ठीक से होंदे वा। पर नदी जब आ जाएगी तो फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यहाँ पानी, नदी का पानी इसमें आ जाएगा? इन आवे जाए नदी दे तरह तरह आवे जाए। फिर यहाँ से नहीं ले जाओगे पानी? तमन को ना ले जाओ। जोमी भाई एक बात कह रहे हैं कि यहाँ से जो पानी, बारिश का जब बहुत पानी इसमें आ जाता है, नदी पूरी चलने लगती है, तब फिर पानी गंदा हो जाता है और फिर पानी दूसरी जगह से ले लाना पड़ता है। तो बेकरिया में ठीक तो है ना? बेकरिया में बढ़िया तो हेडपम्प है? बेकरिया में तो हेड अम्बावा में नहीं है? हाँ अम्बावा में नहीं है। अरे हारे आए दुख पड़ गयो है। मतलब महिलाएं कह रही है कि माता पिता ने अम्बावा में शादी करवा के तकलीफ में दे दिया इनको, मतलब यहाँ पानी भी नहीं है। तो ये दशा है यहाँ की। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, आप जो जल जीवन मिशन चला रहे हैं, तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप जहाँ कहीं सोलर की पनघट लगा रहे हैं, आपने कहाँ पनघट लगाए हैं? 10 पनघट आपने लगाए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, वो कहाँ लगाए? उनकी जगह देखिए, क्या वहाँ लगाए जाने जरूरी थे या उनकी जरूरत यहाँ पर थी? आपने कई जगह पर जो है कुएं खुदवाए हैं, जल जीवन मिशन के तहत टंकियां बनवाई है, तो उसकी जरूरत सबसे ज्यादा इनको है या उन लोगों को है? तो ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी कि क्यों सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी जनजाति वर्ग के लोगों के लिए नहीं सोचते। देखिए, समस्या खाली पानी की नहीं है, इस पानी को साफ करने की भी जरूरत रहती है। यहाँ पर जो ये पानी है भरा रहता है, अब ये जब सुबह आते हैं, ये या तो सुबह आते हैं पानी भरने के लिए या शाम को आते हैं, तो जब आते हैं तब यहाँ पर जो पानी भरा हुआ होता है उसको नहीं भरते हैं, उसको बाहर निकालना पड़ता है। इनका कहना है कि यहाँ गाय आती है, गाय भैंस भी आती है, कुत्ते भी आते हैं, कोई भी पानी यहाँ पे पी के जाते हैं, है ना? यहाँ पे कोई सुरक्षा तो है नहीं और खुला पानी है, कोई विषैले जानवर जो होते हैं वो भी यहाँ पर पी के जाते हैं पानी। तो ऐसे में महिलाएं सुबह जब आती है तो सबसे पहले यहाँ पर भरे हुए पानी को इस तरीके से खाली करना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं वो पानी निकाल निकाल के बाहर फेंक रही है, और यहाँ पर फिर जो रिस रिस के नया पानी आएगा उसको ये अपने बर्तन में भर के घर पे ले जाएंगे। तो इतना चैलेंजिंग ये काम है, और ये महिलाएं हैं जो अपने परिवार के सभी सदस्यों को जिंदा रख रही है, क्योंकि पानी से जीवन है, पानी नहीं हो तो आदमी नहीं जी सकता है। तो ये एक तरीके से इनके परिवार के जो लोग हैं उनको जिंदा ये महिलाएं रख रही है। अगर ये महिलाएं ना हो तो कैसे पानी पिएंगे लोग? जा रहा हूं मैं।